चौथा नंबर आप देखेंगे कि मॉनिटर्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और इसका कार्य क्या है या कौन सा कार्य करता है। ठीक है, तो मॉनिटर MONITORS मॉनिटर। देखिए मॉनिटर्स एक आउटपुट डिवाइस होता है जो किसी भी प्रकार के इनपुट द्वारा दिए गए डाटा तथा इंफॉर्मेशन को आउटपुट के रूप में है जो मॉनिटर पर रिजल्ट दिखाता है। मॉनिटर पर मिस होता है टीवी, मॉनिटर मिस होता है टीवी जो हमारे घरों में या ऑफिस में लगे होते हैं, वो जिसपे न्यूज आप देखते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर में मॉनिटर होता है जो ग्राफिक को दिखाता है। ठीक, और मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। मॉनिटर देखो, अब देखो मॉनिटर में कितने प्रकार होते हैं, मतलब टाइप का मॉनिटर EYPES टाइप्स ऑफ मॉनिटर MONITORS मॉनिटर टाइप्स ऑफ मॉनिटर मतलब मॉनिटर के प्रकार, मतलब मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं। देयर आर देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर MONITORS। और देखो कहीं कहीं पे मॉनिटर्स को BU भी कहते हैं, मॉनिटर्स को BU मतलब मॉनिटर्स का BU कहते हैं। BU का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका फुल नेम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट VISUAL विजुअल डिस्प्ले DISPLAY डिस्प्ले यूनिट UNIT यूनिट। इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट को एक प्रकार का मॉनिटर होता है जो आउटपुट के रूप में हमको ग्राफिक्स को दिखाता है। अब मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर। पहला क्या होता है, पहले होता है CRT मॉनिटर। दूसरा नंबर क्या होता है, LCD मॉनिटर। CRT को हम कहते हैं कैथोड रे ट्यूब, CATHODE कैथोड RAY रे और TUBE। इसको कहते हैं कैथोड रे ट्यूब, CRT का फुल नेम होता है कैथोड रे ट्यूब। अब कैथोड रे ट्यूब में कैथोड रे ट्यूब क्या होता है, और दूसरा नंबर होता है LCD, इसको कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LIQUID लिक्विड क्रिस्टल CRISTAL क्रिस्टल DISPLAY डिस्प्ले लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब CRT मॉनिटर क्या होता है, CRT या मॉनिटर का एक प्रकार होता है, CRT मॉनिटर का एक प्रकार होता है। इसमें पिक्चर ट्यूब लगी रहती है, जब पिक्चर ट्यूब फ्लोरेंस पे गिरती है तब यह कोई भी ग्राफिक्स या पिक्चर को दिखाता है। अब CRT मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, ये CRT मॉनिटर जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है मोनोक्रोम MONO CHROME मोनोक्रोम, दूसरा होता है कलर COLOR। ठीक, दूसरा कलर, पहला क्या होता है मोनोक्रोम और नंबर दो क्या होता है कलर। CRT मोनोक्रोम मॉनिटर मतलब क्या होता है, CRT मोनोक्रोम मॉनिटर ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर दिखाती है। मतलब जैसे घरों में हमारे पहले सादा TV रहता था, सेम टू सेम उसी तरह से सादी टीवी की तरह सादी मॉनिटर भी रहता था, वह ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर दिखाता था।
उस मॉनिटर में झिलझिलाहट रहती थी, उस टीवी में इसमें झिलझिलाहट नहीं रहती थी, बस एक ही अंतर है। ठीक, मोनोक्रोम मॉनिटर ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर दिखाता है। इसका साफ सीधा सा आंसर यह है, कैथोड रे ट्यूब मोनोक्रोम मॉनिटर ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर को दिखाता है। अब कलर सीआरटी कलर मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब कलर मॉनिटर रेड ग्रीन ब्लू फास्फोरस को डिस्कल करके कलर मॉनिटर दिखाया गया है, जो कलर पिक्चर को दिखाता है। यह हुआ है आपका सीआरटी मॉनिटर का डिफिनेशन। अब दूसरा देखिए एलसीडी मॉनिटर। एलसीडी मॉनिटर या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, इसमें लिक्विड सभरव द्रव पाया जाता है। ये पतले बुक स्लाइड की तरह होता है, जैसे ये पतला बुक है, जैसे एक बुक है, इस बुक की तरह ये इसकी मॉनिटर होती है, पतले बुक स्लाइड की तरह होती है। ये इसको प्रेस करने पे पानी की तरह फैलता है, इसके स्क्रीन को प्रेस करिए तो पानी की तरह फैलेगा। यह बहुत कम विद्युत खाती है और बहुत बढ़िया क्वालिटी में पिक्चर को दिखाता है। ठीक, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है एलईडी एलईडी और दूसरा होता है टीएफटी। अब एलईडी मॉनिटर क्या होता है, इसका मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का मतलब लाइट इमिटिंग डायोड और टीएफटी का मतलब होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। लाइट इमिटिंग डायोड क्या है, इसकी लाइट एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलईडी की मॉनिटर की लाइट बाहर, लाइट इमिटिंग डायोड की लाइट बाहर निकलती है तथा इसकी पिक्चर क्वालिटी काफी बेटर होती है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में इसको कहें, एलईडी मॉनिटर की लाइट बाहर निकलती है, इसकी पिक्चर क्वालिटी काफी बेटर होती है, एक ही लाइट में हो जाएगा। जैसे एलईडी बल्ब है, आपके घर में एलईडी बल्ब क्यों लगाया जाता है, कि उजाला हो जाए, वैसे एलईडी मॉनिटर होता है। जो एलईडी मॉनिटर को आप कहीं अंधेरे में चालू करेंगे तो पूरा कमरा, अगर एक कमरे में चालू किया जाए तो कमरा उजाला हो जाएगा। दूसरा नंबर होता है टीएफटी। टीएफटी का मतलब होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, इसकी लाइट बाहर नहीं निकलती है तथा इसकी पिक्चर क्वालिटी काफी बेटर होती है। यह काफी महंगा कॉस्टली होता है, महंगा मतलब जो बैन में प्लेन में हवाई जहाज में इस सब में लगा रहता है, यह काफी महंगा मॉनिटर होते हैं। तो ये मॉनिटर ये हो गया, समाप्त।